नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। खबर पंजाब के बटाला से है, जहां रोडवेज के कच्चे मुलाजमों की तरफ से बटाला में पंजाब रोडवेज की वर्कशॉप में काले चोले पहनकर पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। मुलाजिमों की मांग है कि हमारा वेतन पहले ही बहुत कम है, ऊपर से सरकार ने 25% कट करके दिया है। हमें 13 साल हो गए हैं पंजाब रोडवेज में काम करते हुए, सरकार हमें पक्के नहीं कर रही है। कोरोना के चलते भी हमने अपनी जान की परवाह न करते हुए बसें चलाई थी, लोगों को उनके मंजिल तक पहुंचाया था। उसका नतीजा है कि हमारे 25% वेतन काट कर दिए गए हैं। जहां पूरे देश में जश्न-ए- आजादी का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन हम 15 अगस्त को आजादी दिवस नहीं गुलामी दिवस मनाएंगे। जलंधर में पूरे पंजाब के कच्चे मुलाजिम इकट्ठे होंगे और सरकार का विरोध करेंगे। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। असी 13 साल तो नौकरी कर रहे हैं इस महकमे, सरकार कहती है भी तुसी साडे मुलाजम नहीं, सरकार कहती भी तुसी साडे मुलाजम नहीं। पूरे 13वें साल के अं अज हो गए हैं भी सरकार ने सानू मिनीम वेज दे रही है 10-11 हज़ार रुपया तनखा। इन्नी करोना महामारी के पता वा भी असी काम किया, प्रवासी मजदूर लिया जेड़े मतलब कि पिंडां च फसे सी उन्हां नूं असी ट्रेनां ते पहुँचाया। हजूर साहब तो यात्री अं पंजाब के लैके आए, 34 मुलाजम जोड़े कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उस तो बाद जो स्टूडेंट फसे से बहरलिया स्टेटा के राजस्थान वो लिया, असी साढ़े वर्कर ने परवाह नहीं की अपनी जान माल की, जो भी अफसर सारे अपने घर लुके गए। सानू सिला यह मिले वा कि सरकार ने सानू पक्का तो की करना सी, उल्टा साड़ी जी मिनीम वेज तनखा मिलती 10,000 भी कटौती कर, और इस संबंध में अं अज प्रोटेस्ट किया सरकार के पुतले फूके ने। 13 तरीक असी दोबारा फिर गुलामी दिवस मनावे, जो कि 15 अगस्त को सरकार ने मनाने का सोचा। बस स्टैंडा के उत्ते पंजाब 18 डिपुओं के असी पुतले फूकेंगे सरकार के काले चोले पा के। 15 तरीक असी जलंधर का प्रोग्राम है भी सांझे मोर्चे के नाल जिन्हें पंजाब के कच्चे कामे ने सारा लैके उ विरोध करांगे। जिहड़े सुखजिंदर सिंह रंधावा साढ़े मंत्री ने, उन्होंने उत्ते पुतला फूकना, उन्हां दा पुतला फूकांगे, अहीं सरकार दा पुतला फूकांगे। तो जे सरकार ने कोई हल साडा ना कढ़िया तो अगला प्रोटेस्ट जिहड़ा वा वो उस टाइम वो लिखा जाऊगा भी असीं की करांगे। तुसीं कहिंदे कि 13 साल हो गए सानूं काम करदे ते सरकार ने मतलब कि सानूं अपना मुलाजम मन्निया। सरकार जी पहलां ते अहीं आउटसोर्स से भर्ती होए सी कंपनी दे थ्रू 2008-07 च भी। उस तो बाद सरकार कहती कि तुम प्रॉपर प्रोसैस नाल नहीं आए, इन्होंने भर्तियां कड़िया, अं भर्तियां फार्म भर के फीसा दे के सरकारी बकायदा टैसट दिता, टैसट में अं पास होए हैं। 12-1250 बंदा जोड़ा साडा भर्ती होया, सरकार ने उदा भी कुछ नहीं किया, आउटसोर्स भी कख नहीं। 25% कटौती की जी, साड़ी तनखा हैगी 10,400 रुपया, और जो देख लो तुम भी किन्ने बढ़ गए। ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਰਾਣ ਅਨੁਸਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਜਿਹੜੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।